गाइस, माय नेम इज कार्तिक राठौर एंड वेलकम टू द कोडिंग डॉट्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि फायरबेस को एंड्रॉइड स्टूडियो से किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली करना क्या है कि सबसे पहले हम फायरबेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे फायरबेस ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे firebase.google.com लिखना है और उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी फायरबेस की। सो फायरबेस को हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अगर अपनी एप्लीकेशन में किसी भी डेटा को स्टोर करवाना है ऑन क्लाउड, जहाँ से हम उसको कहीं कभी भी एक्सेस कर सकें, या फिर कोई भी ऑथेंटिकेशन करना है, इन सब चीज़ों के लिए हम फायरबेस को यूज़ करते हैं। और भी बहुत फंक्शनलिटीज है इसमें, जिसको हम अगले वीडियोस में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी कि फायरबेस के अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस, यानी कि जैसे कि SQL भी है, हम SQL का भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई थिंक कि फायरबेस सबसे ईजी है और हम इसको बहुत जल्दी और बहुत ईजीली ईजी वे में कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मेल खोल लो, जिस मेल में आपको फायरबेस से कनेक्ट करना है, जिस भी मेल के साथ आपको फायरबेस को कनेक्ट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो को, उससे आप वो लॉगिन यहाँ पे आप मेल को कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट खोल के रखना है। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसके लिए आपको फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक नेम देना है प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको फायरबेस टेस्टिंग। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और ये जब तक ओपन हो रहा है, हम प्रीवियस विंडो को ऑफ कर देते हैं। ओके सो जब ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा फायरबेस का, इसके बाद आपको जाना है गो टू कंसोल पे, एंड इसके बाद अगर यहाँ पे आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अभी आपको फायरबेस को छोड़ देना है, यहाँ पे आपको अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो ये हमारे पास विंडो है। अब मैं जाऊँगा टूल्स के ऊपर, और टूल्स में अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे फायरबेस दिख जाएगा लिखा हुआ। आपको फायरबेस के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सारी फंक्शनलिटीज दिख जाएगी फायरबेस की। इसमें ऑथेंटिकेशन है, रियल टाइम डेटाबेस है, अगर कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी का, या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करवाना है, किसी डेटा को स्टोर करवाना है रियल टाइम में, सो वो रियल टाइम डेटाबेस के अंडर आएगा। एंड यहाँ पे मशीन लर्निंग भी है फायरबेस की, एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, इन ऐप मैसेजिंग भी है, क्लाउड मैसेजिंग भी है, एड मोब भी है, अगर आप एड लगाना चाहते हो तो बहुत सारी फायरबेस की यहाँ पर चीज़ आपको दिख जाएगी। सो हम जाते हैं ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन में हम जाएंगे, ऑथेंटिकेशन हमें किसके किसके साथ करना है, तो हम अभी के लिए जाते हैं कस्टम ऑथेंटिकेशन पे, और इसको करते हैं कनेक्ट टू फायरबेस। ठीक है, जब आप कनेक्ट टू फायरबेस दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली फायरबेस की वेबसाइट खोल देगा, एंड आप इस जगह पे आ जाओगे। ठीक है, सो उसके बाद आपको करना है एड प्रोजेक्ट पे जाना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे फायरबेस टेस्टिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट का नाम ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, मतलब कि अभी तक सब कुछ सही है। उसके बाद आप कंटिन्यू करना है आपको, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट एन अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिफॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, एंड उसके बाद आप कर सकते हो क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट योर प्रोजेक्ट। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा फायरबेस से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। अभी आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और कंटिन्यू के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और फर्स्ट हम उस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले हैं जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जिसका नाम हमने दिया है फायरबेस टेस्टिंग। तो योर फायरबेस एंड्रॉइड ऐप हैज बीन क्रिएटेड इन फायरबेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कनेक्ट के ऊपर दबाना है। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है योर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्ट टू योर फायरबेस एंड्रॉइड ऐप। तो अभी आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, देखो ये ब्लिंक भी कर रहा है, सो इसको ओपन करना है। एंड उसके बाद योर ऐप फायरबेस यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर आपको दबाना है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इज नाउ कनेक्टेड टू द फायरबेस। अगर आपके साथ आपको आपको ये लिखा हुआ दिख जाता है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है फायरबेस और एंड्रॉइड स्टूडियो। उसके बाद आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस, यहाँ पे भी कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। सो ये कनेक्ट हो चुका है फायरबेस से।
आपका काम हो चुका है यहाँ पे। पिछली बार लाइक पहले जो करना पड़ता था मैन्युअली करना पड़ता था और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता था, और अभी ये बहुत ईजी कर दिया है। इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि रियल टाइम डेटाबेस किस तरीके से काम करता है। हम पूरा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, पूरी एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, और जिसमें सारे CRUD ऑपरेशन हम परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ठीक है, तो गाइस बाय बाय, सी यू।